बिजली के शॉर्ट सर्किट से तीन घर गुर्जर समुदाय के जलकर हुए राख। एक तरफ भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और दूसरी ओर एक बार फिर से कठुआ के मगरखंड के समीप बिजली के शॉर्ट सर्किट से तीन घर गुर्जर समुदाय के जलकर पूरी तरह से राख हो गए। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसकी सूचना जब दमकल विभाग को मिली तो दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का काम शुरू किया, लेकिन उससे पहले ही घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका था क्योंकि आग काफी ज्यादा भीषण थी। वही घर में रहने वाले व्यक्तियों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। नवभारत समाचार कठुआ से शमशेर सिंह की रिपोर्ट। दिखाना अंदर बैठे थे यही तो उधर आवाज मारने लगे तो मैं रोटी खा लेने तो फिर बाद च निकलने बाहर सानू पता ही कोई नहीं इधर आग लगी पली सर तो पता नहीं कुछ आग सुटी है जो के बने के नहीं असि तो पता ही कोई नहीं। अंदर कणक ही चार क्वांटल कणक ही छे सात क्वांटल धान है बाकी गहने है 50-60 हज़ार रुपया था अंदर पेटी च गहने हे दबे पेटियां च नहीं रखते जो भी चोर चार कटी लेंगे दबे दिन तो उत्थे पकोइए सब कुछ छड़ी पेटी लेक दो कख नहीं निकलिया आई घट तो घट 5-6 लाख का नुकसान हो गया। सब कुछ गरिया ही कुछ नहीं है पो कुकड़ तुड़ी दाना पका भांडा लड़ता जो भी कुछ भी नहीं रहा साडे कोल कोई शै नहीं है जुत्ती भी कुछ दी है नहीं लाने भी कुछ नहीं रहा साडे कोल कोई शै नहीं रही है। अच्छा तुझ भी नुकसान कुछ लगे पता मतलब अग कुछ लाई जा के कारण कोई पता नहीं लगे।